हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे राग बागेश्री की एक बहुत जानी मानी पहचानी हुई बंदिश, कौन करत तोरी विनती बिहरवा। मध्यलय तीन ताल में है, बहुत प्यारी सी बंदिश है और बागेश्री की बहुत एकदम स्टैंडर्ड बंदिश है। जहां भी आप देखें, कहीं सुने तो आपको बागेश्री में ये बंदिश ज़्यादातर सुनने को मिलेगी। तो इस बंदिश की हम आगे बात करें, उससे पहले ये बंदिश पूरी एक बार तीन ताल में सुन लेते हैं। 140 BPM की स्पीड, अभी मैंने स्केल लिया है ई, सफ़ेद तीन पे मैं बजा रहा हूँ, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले सुनिए ये बंदिश और इससे पहले थोड़ा आलाप भी सुन लीजिए, उसके बाद हम बंदिश तीन ताल में प्रस्तुत करते हैं। Ooh.
तो ये अभी सुनी बंदिश राग बागेश्री में ताल तीन ताल 140 BPM की स्पीड जो बजाया वो था ई स्केल यानी सफ़ेद तीन में। अब मैं आपके सामने एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा, वो काली पाँच यानी ए शार्प में करूँगा, क्योंकि मैं गा के भी करता हूँ तो गाने में मुझे ये स्केल सूट होता है। एक एक लाइन में आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, उससे पहले राग बागेश्री का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कि बागेश्री में क्या क्या नोट्स आते हैं, क्या वर्जित है, क्या कोमल तीव्र है, सब देख लेते हैं। तो इससे पहले बागेश्री का एक दो दोहा है, श्लोक देख लीजिए। मस वादी संवादी से आरोही रिपक काट, मस वादी संवादी से आरोही रिप काट, गनी कोमल बागेश्री लखी काफी के थाट। दूसरा भी एक दोहा है इसी तरह का। द्वितीय प्रहर निशी गनी मृदु मानत मस संवाद, द्वितीय प्रहर निशी गनी मृदु मानत मस संवाद, आरोहन स्वर रेपवर्जित राखत काफी थाट। यानि ये राग बागेश्री काफी थाट से उत्पन्न माना गया है। काफी थाट का मतलब ग और नी दोनों कोमल लगते हैं, तो इसी राग में दोनों स्वर ग और नी कोमल लगेंगे। इसकी जाति ओडव संपूर्ण मानी गई है, यानी कि आरोह में रे और प वर्जित है, सा ग म ध नि सा सानी दप मगरे सा, लेकिन अवरोह में पंचम वक्र है। ऋषभ भी बहुत अल्प है, इसलिए कि कुछ लोग इसको साढ़व संपूर्ण जाति का भी मानते हैं। इसका गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। वादी स्वर म है, संवादी स्वर सा है। इसके न्यास के स्वर है सा म और ध। इसके मिलते जुलते रागों में है भीमपलासी, खास नजदीक का राग है। भीमपलासी में पंचम ज्यादा आता है, इसमें पंचम की जगह दैवत ज्यादा आता है। आरोह में सागम धनी सा बागेश्री में, और भीमपलासी में सागम पनी सा, काफी मिलते जुलते हैं दोनों। मैं अभी दिखाता हूँ आपको बजा के नोटेशन के साथ क्या क्या डिफरेंस है। रागेश्री भी थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन रागेश्री में ग शुद्ध आता है, बागेश्री में ग कोमल आता है, बाकी सारे स्वर सेम है दोनों। इस राग में पंचम का वक्र प्रयोग होता है, जैसे म प ध ग रे सा। तान में सीधा प्रयोग हो सकता है सा नी द प म ग रे सा, इस तरह से अवरोह में सीधा प्रयोग हो सकता है, लेकिन आलाप में या बंदिश में इसका वक्र प्रयोग होता है। म प ध ग रे सा, इस राग में सा म की संगति, सा म दूसरी ध ग की संग, ध ग और ध म, ये संगति का बार बार यूज होता है। इसका आरोह अवरोह देख लेते हैं। से भी लेते धनी सा ग म धनी सा सा नी द म प द ग म ग रे सा। इसकी पकड़ बागेश्री में कैसे स्वर जा रहे हैं। ये बागेश्री है, अभी भीमपलासी पग, ये भीमपलासी में ऐसा होता है म पग, ये चीज बागेश्री में अलाउड नहीं है। बागेश्री म प ध ग, ये बागेश्री में हो सकता है, और भीमपलासी में
तो ये हो गई पिंपलासी, इतना सा डिफरेंस है, बाकी बहुत नजदीक के राग है। अब चलिए तीन ताल की एक बंदिश है, कौन करत कटोरी बिनती पिहरवा, इसकी एक एक लाइन की नोटेशन के साथ देखते हैं। पहली लाइन है कौन करत तोरी बिनती पियरवा, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, सा। इस तरह से सा खटका वाला मुड़की वाला है, सा नी द कौन कर धम प ध ग रे सा रे रे सा। इसके टुकड़े कर दीजिए, सा नी द धम प ध ग रे सा रे रे सा, कौन कर त तोरी बिनती पियरवा। अब जोड़ दीजिए, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, सानी ददम पध ग रे सा रे। अब इस बंदिश में आप कट टू कट बिट टू बिट गाएंगे तो थोड़ा बेसिक एलिमेंट्री लगेगा। सा नी द ध म प ध ग ग रे सा रे रे सा, इसकी बजाय आप थोड़ा ऑफ बिट कर लीजिए, सा नी द ध म प ध ग रे सा रे रे सा, कौन कर इस तरह से थोड़ा ऑफ बीट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। फिर आठ मात्रा के बाद आप फिर से बीट पकड़ सकते हैं। दूसरी लाइन मानो न मानो हमारे बतिया, मानो न मानो सानी सारनी सामा मध पद नि द ग ग रे सा नि सा द नि सा म सा नि सा द नि। इसकी जगह आप ये भी लेते हैं, सा द नि सा मध, फिर ये पद नि द डबल स्पीड में है, पद नि द ग ग रे सा मध पद नि द ग ग रे सा सा नि सा द नि सा म मध पद नि द ग ग रे सा। मध पद नि द ग ग रे सा मानो न मानो हमारे बतिया, हम मध रे पद नि द रे बतिया ग ग रे सा बतिया। फिर मुखड़ा उठाने का है, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, मानो मानो
हमरे बतिया कौन करत तोरी बिनती पियरवा। अभियंत्रण जब से गए मोरे सुदहु न लेने, जब से गए मोरे सुदहु न लेने, मम धनि दसा निसार सने सने द, मम धनि दसा। आप यहाँ गम धनि दसा पर ले सकते हैं। गम धनि दसा जब से गए मोरे सुदहु न लेने, गम धनि दसा निसारे सने सने द, काहे सो तन के घर जात, काहे सो तन के घर जात, ध नि ध मगर सा, ध ध नि ध कहे सो तन के घर जात। धनी धमग मगरे कहे सो तन के घर जात, कौन करत तोरे बिनती पिहरवा, सारे दम पध गगर सारे रे सा। तो ये हो गया स्थाई अंतरा, छोटा ख्याल मध्यलय, बागेश्वरी तीनता। अब इसकी कुछ ताने देख लेते हैं। नौवी मात्रा से ये मुखड़ा उठता है, कौन करत तोरी, और पहली मात्रा सम से आठ मात्रा की तान लेते हैं, कौन करत तोरी सग मदनी सनी द, मदनी द मगर सा, कौन करत तोरी सग मदनी सनी द, मदनी द मगर सा, कौन करत तोरी सा ग म ध नि सा नि द, म ध नि द म ग रे सा, कौन करत तोरी। दूसरी तान है ग म ध नि सा नि द, म ग म ध म ग रे सा, ग म ध नि सा नि द, म ग म ध म ग रे सा, ग म ध नि सा नि द, म ग म ध म ग रे सा, कौन करत तोरी सा ग म ग रे सा नि सा, ग म ध नि द म ग म सा ग म ग रे सा नि सा, ग म ध नि द म ग म। मग मग रे सा नि सा, सा नि सा नि द म ध नि, मग मग रे सा नि सा, सा नि सा नि द म ध नि, कौन करत तोरी मग मग रे सा नि सा, सा नि सा नि द म ध नि, कौन करत तोरी बिनती पिहरवा। अब पूरा मुखड़ा गा लेने के बाद 16 मात्रा का मुखड़ा और फिर 16 मात्रा की तान देखिए। कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, सा ग म ग म ध न म ध नि नि ध नि सा,
मदनी सारे सानी द मदनी द मगरे सा साग मामा गामा दादा मदनी नी दानी सा मदनी सारे सानी द मदनी द मगरे सा मदनी सारे सानी द मदनी द मगरे सा नेक्स्ट टाइम 16 मात्रा की कौन करत तोरी बिनती पिहरवा साग साग मम ग म ग म द द म द म द नि द नि द नि सा द नि सा द नि सा कौन करत तोरी बिनती पिहरवा। अब कुछ अंतरे की तान भी देख लीजिए। जब से गए मोरी यहाँ तक का मुखड़ा लेना है आधा, फिर आधा मुखड़ा तान लेनी है। 9 मात्रा से 16 मात्रा तक मुखड़ा है और 1 मात्रा से 8 मात्रा तक तान है। जब से गए मोरी सुध हो न लेनी, जब से गए मोरी सानी धम धनी सा मग मगर निसा, जब से गए मोरी सानी धम धनी सा मग मगर निसा, जब से गए मोरी धनी सा गर सा गगर धनी निसा, जब से गए मोरी। जब से गए मोरी मदनी धनी सा धनी सा नि धम धनी सा, जब से गए मोरी मदनी धनी सा धनी सा नि धम धनी सा, जब से गए मोरी सागर धनी नि सा नि धम धनी सा, जब से गए मोरी सागर तनी निसा जानी धम धनी सा, जब से गए मोरी धनी निसा सा ग ग म म ग म ग रे तनी सा, जब से गए मोरी धनी निसा सा ग ग म म ग म ग रे तनी सा, जब से गए मोरी धनी सा धनी सा धनी सा नि धम धनी सा, जब से गए मोरी सुध हो न लेनी कह सोतन के घर जात कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, कौन करत तोरी कौन करत तोरी कौन करत तोरी बिनती पियरवा। तो ये हो गई पूरी बंदिश राग वागेश्वरी में। हमने कुछ ताने भी की, अंतरे की ताने भी की। ये कंप्लीट प्रस्तुति आप तैयार कर सकते हैं आपके कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए या कोई एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए भी आपको ये सब उपयोगी साबित हो सकती है। आप इसको अवश्य तैयार कीजिएगा और कैसी लगी हमें बताइए। अब हमारे नित्यक्रम के मुताबिक एक फिल्मी गाना भी सुना देते हैं, वो भी इसी राग में यानी राग वागेश्वरी में। राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, हमने अभी ये ट्यूटोरियल में ये बंदिश वागेश्वरी में जो एक्सप्लेन किया वो काली पांच यानी ए शार्प की नोट में था। अब मैं ये गाना आपको सुना रहा हूँ सी शार्प यानी काली एक में। ताल है दादरा और लय टेम्पो है 280 BPM दादरा।
आपको ये राग बागेश्वरी का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। आभार।